गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैपायरो रिएक्शन विद शॉर्ट ट्रिक। हमें इसे देखना है। ये रिएक्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन का एक मेथड है, एंड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में हम इसे यूज में लेते हैं, और काफ़ी इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च के अंदर इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और ये कंपैरेटिव में पूछा जाता है बॉमफर्ड स्टीवेंस रिएक्शन की तुलना में, इसलिए हम उससे भी इसके कंपेयर करेंगे अपकमिंग लेक्चर के अंदर। तो एट प्रेजेंट टाइम हमें सैपायरो रिएक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। देखिए, आपको सैपायरो रिएक्शन कंडीशन क्या दे रखी होगी। पहला चीज है, आपको सब्सट्रेट दे रखा होगा। सब्सट्रेट कौन सा रहेगा आपके पास, एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन आपको दे रखा होगा। सेकंड एरो के ऊपर आपको जो कंडीशंस होगी वो रहेगा आपके पास टॉसिल हाइड्रोजन, ओके, जो एल्डिहाइड या कीटोन के ऑक्सीजन के साथ आपके पास कह सकते हो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्रिएट करेगा, यानी कि आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। थर्ड आपके पास जो रहेगा रिएजेंट वो रहेगा आपके पास लिथिएटेड बेस, वो हो सकता है एलडीए या एन ब्यूटाइल लिथियम। इस स्टेप को आपको याद में रखना है। देखिए, सैपायरो रिएक्शन एंड बॉमफर्ड स्टीवेंस रिएक्शन के अंदर बेस का फर्क होता है। बॉमफर्ड स्टीवेंस के अंदर हम अथॉक्साइड बेस यूज में लेते हैं या इनऑर्गेनिक बेस यूज में लेते हैं, यहाँ पे हमें लेना पड़ता है लिथिएटेड बेस। फोर्थ स्टेप आपके पास रहेगा प्रोटोनेशन, या क्विंच करेंगे आप एसिडिक कंडीशन के अंदर H3O+। एंड फिफ्थ स्टेप इसके अंदर रहेगा इलेक्ट्रोफाइल कैचअप हम करवाते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल, और लास्ट स्टेप में क्विंच कर देते हैं। तो आपके पास जो डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, देखिए ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपके पास ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे करना होता है कि जो आपका डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा लेस सबस्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। तो इसे हम शॉर्ट के अंदर लिखते हैं L.S.SDB, लेस सबस्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड। अब ये फिफ्थ स्टेप किसी मॉलिक्यूल यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर अप्लाई करके हम लेस सबस्टिट्यूटेड साइड प्रोटोन को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका हम मैकेनिज्म में देख लेते हैं, इसे अप्लाई करते हैं। दिस वन, ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, सिंपल कीटोन है ये, दिस वन इज कीटोन, ओके, स्टार्टिंग मटेरियल हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे दिस वन इज वन नंबर कार्बन है, आपके पास जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वन नंबर कार्बन, ओके। एरो के ऊपर फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या देखा है, टॉसिल हाइड्रोजन। टॉसिल हाइड्रोजन में जो टर्मिनल नाइट्रोजन है, टॉसिल हाइड्रोजन के अंदर टर्मिनल नाइट्रोजन के ऊपर रहते लोन पेयर, ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कि वन नंबर का कार्बन है। तो इसे हम पहले हटाते हैं, अब अटैक करवाते हैं, दिस वन इज गोज टू हेयर। आपके पास क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओपन होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बियर करेगा। तो यही स्टेप हमने यहाँ पे लिखा है कि अब देखिए लोन पेयर नाइट्रोजन से अटैक किए, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या देखने को मिलेगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा आपका, ये नेगेटिव चार्ज दिस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में यही रहता है, ये आपका कार्बन नाइट्रोजन एच एंड अटैच टू कार्बन, और ये हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वापस से क्या है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर फिर से किस पे अटैक करेंगे, दिस पर्टिकुलरली वन नंबर कार्बन पे अटैक करेंगे, जिसे मैं वन नंबर कार्बन देता हूँ, ये आपके लोन पेयर यहाँ पे अटैक करते हैं, और इससे क्या होता है, दिस OH गेट एलिमिनेट, एलिमिनेट हो गया, तो नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, इमाइन बॉन्ड आपके पास फॉर्म होता है। ये क्या बन गया आपके पास, इमाइन बॉन्ड, ये जो मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ, दिस वन इज इमाइन बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इमाइन बॉन्ड, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और H+ बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास देखने को मिलेगा दिस कार्बन वन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिला, एंड NH2S, इसे हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, दिस वन, ओके। अब हमें क्या देखना है, हमें नेक्स्ट स्टेप में दे रखा होता है कोई भी लिथिएटेड बेस। लिथिएटेड बेस के अंदर क्या हो सकता है, या तो आपके पास होगा N-ब्यूटाइल लिथियम, या होगा LDA,
या होगा आपके पास LHMDS, दिस वन इज LHMDS, या होगा KHMDS, ये सारे के सारे बल्कार बेस के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। ओके, बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो अटैच प्रोटॉन है, दिस वन, ये आपका मोर एसिडिक प्रोटॉन है, पहला तो ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड, जिस कार्बन पे, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, इस कार्बन को मैं ओपन कंडीशन लिख देता हूँ, सी एक एच, सेकेंड एच, तीसरा एच, इसमें से किसी एक एच को प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। पहले नाइट्रोजन से अटैच प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है क्योंकि ये मोर एसिडिक है, और सेकेंड कार्बन से अटैच प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, दिस मॉलिक्यूल बन जाएगी। ओके, फर्स्ट प्रोटॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, सेकंड इस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब होता है क्या है कि जनरल थ्योरी क्या बोलती है कि जो लास्ट फॉर्म होता है, जो लास्ट में न्यूक्लियोफाइल बनता है, वो मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू जो पहले बनता है। तो देखिए पहले कौन बनेगा, जो लास्ट फॉर्म होता है वो पहले रिएक्ट करता है। तो हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल थे, दिस इज, हम इसे कह सकते हैं वन नंबर, इसे कह सकते हैं सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर पे फॉर्म होता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ अटैक करेगा, हेयर, ठीक। देन आफ्टर दिस डबल बॉन्ड गेट सेपरेट टू हेयर, इससे क्या होगा, ये आपका जो टॉसिल है TS, ये गेट एलिमिनेटेड, आपका बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास टर्मिनल कार्बन, मैं इसे नेम दे देता हूँ वन नंबर एंड टू नंबर के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिला, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या देखने को मिलता है, इसे हटा लीजिए, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। इस नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है, लिथियम प्लस, जो कि लिथियेटेड बेस से मिलता है, लिथियम प्लस इसे स्टेबलाइज करता है। अब क्या होगा, अब आपके पास एन टू यहाँ पे एलिमिनेट होगा, कैसे, देखिए दिस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा आपके पास नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर, इससे क्या होगा आपके पास नाइट्रोजन एंड कार्बन टू के बीच का जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास शिफ्ट हो जाएगा कार्बन टू के ऊपर, यानी कार्बन टू के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, कार्बेनियन इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, और एन टू आपका बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे साथ में क्या निकलता है, एन टू डाई नाइट्रोजन, एक गुड लिविंग ग्रुप है, और ये जो इंटरमीडिएट है दिस, ये आपके पास क्या है, इसका नाम है कार्बेनियन, कार्बेनियन, ओके, लिथियम प्लस से ये स्टेबलाइज है। अब इलेक्ट्रोफाइल हम इसके ऊपर कैचअप करवाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप वाटर से इसे क्विंच कर दीजिए एसिडिक वाटर से, या कुछ अदर इलेक्ट्रोफाइल लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे एसिडिक वाटर से इसका वर्कअप किया, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा, एच प्लस रहेगा, ये तो इस एच प्लस को ये कैच करता है, ये गोज टू हेयर, और आपके पास सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, वन एंड ये टू, तो टू नंबर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल रहा आपके पास एच, तो इट मीन्स आपके पास जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है ये वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर एंड फोर नंबर, तो वन एंड टू, यानी कि लेस सब सब्स्टिट्यूटेड साइड आपको डबल बॉन्ड देखने को मिला। ये क्या था, लेस सब सब्स्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड, दिस वन। तो ओवरऑल हमने जो अभी रिएक्शन मैकेनिज्म में देखी वो था आपका सेपायरो रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें आउटकम क्या निकलता है कि हमारे पास टर्मिनल के ऊपर या लेस सब सब्स्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एरो के ऊपर फोर कंडीशन दे रखी होगी और स्टार्टिंग मटेरियल से हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करना है इसे, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन, आपके पास क्या दे रखा है, दिस इज कीटोन, और कीटोन को मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से, और यहाँ पे इसके अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो ये वन नंबर कार्बन और ये टू नंबर कार्बन, तो टू नंबर कार्बन मोर सब इंस्टीट्यूटेड है, लेकिन वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स नंबर कार्बन जो कि लेफ्ट साइड के अंदर है वो लेस सब इंस्टीट्यूटेड है। अब एरो के ऊपर कनेक्शन क्या देखा है, फर्स्ट स्टेप आपके पास दे रखा है टॉसिल हाइड्रोजन, यस, सेकेंड स्टेप लिथियेटेड बेस दे रखा है, ये भी सही है, थर्ड स्टेप आपको दे रखा है D3O+ यानी ड्यूटेरियम इन एसिडिक कंडीशन दे रखा, तो ये सारी की सारी कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन आपकी फॉलोअप हो रही है सेपायरो रिएक्शन की, सेपायरो रिएक्शन की। तो सेपायरो रिएक्शन से हमें इसे रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हम इसे कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम इसके अंदर आंसर भी लिख सकते हैं कि लेस सब इंस्टीट्यूटेड साइड कौन सा, वन एंड सिक्स, तो वन एंड सिक्स के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड, तो ये देखिए दिस वन इज वन एंड सिक्स के बीच में आपको डबल बॉन्ड, एंड वन नंबर पे इलेक्ट्रोफाइल आकर कैचअप होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जो आपको एरो के ऊपर थर्ड स्टेप है वहां से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल ड्यूटेरियम,
डी प्लस मिलेगा, तो ये डी प्लस आपका वन नंबर के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। तो ये था शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक। ओके, पूरा का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं। लेस सबस्टिट्यूटेड साइड आपको मिलता है बॉन्ड, डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देख लेते हैं इसको। यहां पे भी वही, ये आपके पास कीटोन है वन नंबर, ये आपका मोर सबस्टिट्यूट साइड रहेगा टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब यहां पे जो राइट साइड है वो लेस सबस्टिट्यूटेड साइड है, लेफ्ट साइड है वो आपका मोर सबस्टिट्यूटेड साइड है। तो एरो के ऊपर कंडीशन फाइंड अप कीजिए। ये आपके पास जो कंडीशन है, पहला स्टॉप टॉसिल हाइड्रोजन, सेकंड लिथिएटेड बेस है, एंड थर्ड आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या दे रखा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है CO2 इन एसिडिक कंडीशन। ओके, तो होगा क्या, देखिए वन एंड सिक्स के ऊपर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये इतना पक्का है। ये पहला आपके पास इमाइन बॉन्ड बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड आप टर्बूटिल लिथियम लिथिएटेड बेस लेंगे टर्बूटिल लिथियम, तो आपके पास क्या होगा वन नंबर के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और वन एंड सिक्स के ऊपर डबल बॉन्ड बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को कैच करता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या लिया हमने CO2, CO2 के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा ये दिस, देखिए ये नेगेटिव चार्ज आपका CO2 के ऊपर अटैक, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो ओपन होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आपने क्या लिया था, साथ में एसिड भी लिया हुआ है H3O+, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, ये गोज टू हेयर। ओके, तो हमारे पास क्या मिला, दिस वन हमारे पास देखने को मिला एसिड, ठीक ये हमारे पास मिल गया एसिड, यानी कि लेस सबस्टिट्यूटेड साइड हमारे पास डबल बॉन्ड मिला ये वन एंड टू, लेस सब इंस्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड आपको देखने को मिला, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है आपके पास एसिड, दिस वन इज एसिड। ओके, इसी टाइप से अगर हमारे पास जो ये इंटरमीडिएट बना ए प्रोडक्ट, मैं ए प्रोडक्ट को हाईलाइट करता हूँ पिंक से, दिस वन इज पिंक ए प्रोडक्ट। अब ए प्रोडक्ट को अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल से मैं कैचअप कराता हूँ, लाइक ये आपके पास ए था, ए की रिएक्शन मैंने अगर इलेक्ट्रोफाइल लिया CO2 एंड एसिडिक कंडीशन लिया तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या कैचअप होगा, हमारे पास आएगा आउटकम एसिड। ओके, ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सा था बना हमारे पास एसिड प्रोडक्ट। अगर सेकंड हमारे पास है, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल डीएमएफ लेते यानी डायमेथिल फॉर्मामाइड, तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कैच होगा एल्डिहाइड। ओके, दिस वन इज एल्डिहाइड, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो जो एल्डिहाइड है वो ओपन होगा और ओ एच आपके पास देखने को मिलेगा, ये दिस वन इज सी एच पी एच एंड ओ एच, तो इसे हाईलाइट कर लीजिए येलो से, ठीक। अब ये कैसे आया तो इसको देखना है, तो देखिए जस्ट आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एल्डिहाइड को लिख लीजिए पी एच दिस कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिस एच, ये नेगेटिव चार्ज आपका जो है ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो इससे क्या होगा डबल बॉन्ड ओपन होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये H3O+ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और आपके पास C, ये जो कार्बन है दिस वन COH एंड PH अटैच रहेगा कार्बन नंबर टू से, या कार्बन नंबर वन से भी बोल सकते हो, दिस वन इज वन एंड टू से, जिसके ऊपर लेस सबस्टिट्यूटेड साइड, लेस सबस्टिट्यूटेड साइड आपको डबल बॉन्ड भी देखने को मिला और वन नंबर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आपका एल्डिहाइड ग्रुप से रहता है। तो ये था हमारे पास जनरली सैपायरो रिएक्शन, सैपायरो रिएक्शन की जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स और इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म था हमने यहाँ पे डिस्कस किया। वापस से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है रिसर्च के लिए और इंडस्ट्रियल बेस, तो इस रिएक्शन को हमें सही से समझ लेना। इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम इसका इससे इक्विवेलेंट एक रिएक्शन पढ़ेंगे बॉमफायर स्टीवेंज रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।